जम्मू कश्मीर के बिलावर में सुकराला देवी मंदिर के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ जब सेना की गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक जवान की मौत हो गई जबकि 6 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को बचाया गया और SDH बिलावर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बचाव कार्य में स्थानीय ग्रामीणों ने अहम भूमिका निभाई। 6 घायल जवानों को बाहर निकाला गया जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। सेना के वाहन को भारी नुकसान हुआ है और पुलिस द्वारा दुर्घटना की जांच की जा रही है। हादसे में जान गंवाने वाले जवान की पहचान बलजीत सिंह के रूप में हुई है। घटना के समय ये सभी जवान राजौरी में आतंकवाद विरोधी अभियान पर तैनात थे। घायलों को पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंजाकोट में भर्ती कराया गया जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए राजौरी के 150 जनरल अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल के BMO अलीम अहमद भट्टी ने बताया कि प्रारंभिक उपचार के बाद गंभीर जवानों को आगे की देखभाल के लिए भेजा गया। हादसे से जुड़े सारे तथ्य अभी जांच के अधीन है और पुलिस इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई कर रही है।